हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो तो तुसी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। दिस इज द रिंग। इस रिंग नु तुसी सपोज करना, एक तो यह सर्कुलर है, ठीक है। निगलीजिबल थिकनेस है, इसकी थिकनेस जिहड़ी हैगी आपां निगलैक्ट कर सकते हाँ। एंड इहदा रेडियस ए है, सेंटर ओ है, तो यह पेज के उत्ते परपेंडिकुलर पई है, ठीक है। इस लूप के उत्ते चार्ज है, टोटल चार्ज है प्लस क्यू, बट यह जिहड़ा प्लस क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिड है, ठीक है। सरकमफ्रेंस के उत्ते सारा चार्ज बिखरिया होया दे, ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़नी है एट पॉइंट पी। यह पॉइंट पी इस दे लूप दे एक्सिस ते है, ठीक है। ये अपनी अज डेरीवेशन है, ए पी पॉइंट ओ तो आर डिस्टेंस ते है। इस दे लई सब तो पहला आपां इस लूप दे उत्ते एक समॉल एलीमेंट सपोज कर लांगे ए बी। पूरा पूरी लूप नहीं लवांगे हले, आपां समॉल एलीमेंट ए बी दे उत्ते आपां इस पॉइंट पी दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करांगे। इस ए बी दी लेंथ सपोज कर लो डी एल है, समॉल एलीमेंट दी लेंथ भी समॉल है डी एल। इस एलीमेंट का सेंटर है सी, ए बी एलीमेंट का सेंटर है सी। दैन चार्ज ऑन दिस एलीमेंट की होएगा, थोनू पता है लूप का सरकमफ्रेंस हुंदा है टू पाई आर। हुण आपां चार्ज ऑन दिस एलीमेंट, ओनली दिस एलीमेंट कढ़ना है, मतलब आपां डी क्यू कढ़ना है। डी के क्यू विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन इज द सरकमफ्रेंस लूप का, सरकमफ्रेंस हों टू पाई आर, ठीक है। आर आप रेडियस लें, पर इस केस आप ए लिया रेडियस, इस करके आप टू पाई ए लिखा इन टू ए समॉल एलीमेंट की लेंथ। ए हो गया अपना समॉल चार्ज ऑन दिस समॉल एलीमेंट। हुण आपां इस पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़ांगे ड्यू टू दिस स्मॉल एलीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू डी ई। स्मॉल एलीमेंट है, स्मॉल लेंथ है, दैन उहदी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी स्मॉल है, दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू स्मॉल चार्ज अपॉन सी पी स्क्वायर। इस एलीमेंट तो लैके पी तक की डिस्टेंस, दैट इज सी पी, एंड आप फॉर्मूले च लैने हुने उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यह होएगा अलोंग पी सी डैश, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन पी सी डैश, दिस पॉइंट इज सी डैश, ते एंगल बनाएगी थीटा विद दिस एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज सी पी, दिस सी पी अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है, आप हाइपोटेन्यूस कढ़ना है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अपने कोल डी ई आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द हाइपोटेन्यूस द स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस द स्क्वायर। हुण आपां इस डी ई नूं दो कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड कर सकते हाँ। दिस डी ई नूं आपां
दो कंपोनेंट्स, रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विच डिवाइड कर सकते हाँ अलोंग पी एक्स, अलोंग दिस ओ एक्स या पी एक्स, आप इसमें कहोंगे डी ई कॉस थीटा, ठीक है, अलोंग पी वाई दिस विल बी इक्वल टू डी ई साइन थीटा, दिस इज डी ई साइन थीटा, दिस इज डी ई कॉस थीटा, यह ऑपोजिट एलीमेंट्स होंगे डी ई साइन थीटा जेडे भी जिन्हें भी बनने इक्वल एंड ऑपोजिट बनने, इस करके डी ई साइन थीटा आप कैंसल आउट करांगे, ठीक है, जबकि जेडे डी ई कॉस थीटा यह सेम इसी डायरेक्शन च होंगे तो इन्हों आप एड करांगे, मीनस अपने को डी ई सारे डी ई साइन थीटा कैंसल हो जाएंगे एंड टोटल ई की होएगा एट पॉइंट पी दैट विल बी इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, राइट। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा इन ट्राइंगल ओ पी सी, दिस वन ओ पी सी दे विच कॉस थीटा कितना है, दिस इज इक्वल टू ओ पी अपॉन सी पी, ओ पी की है आर दिस डिस्टेंस, सी पी की है पहला दस चुके हैं थोनों आर स्केयर प्लस ए स्केयर द स्केयर रूट, इस आप सी पी का स्केयर रूट नहीं लिया सी क्योंकि सी पी का स्केयर लेना सी, इस आप सी पी लेना इस करके दा स्केयर रूट लेना, एदे विच पुट करो हूँ टोटल ई दी वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा दी वैल्यू पुट करांगे अपा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी पावर वन बाय टू, ये अपने को इक्वेशन बन गई, दिस ई विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल अपॉन टू पाई ए, हूँ आप डी क्यू की वैल्यू यह वाली पुट कर रहे हैं, दिस वन इतने पुट कर रहे हैं आप क्यू इंटू डी एल अपॉन टू पाई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द पावर थ्री बाय टू, वन बाय टू पावर ए होगी, वन पावर ए होगी, टोटल होगी थ्री बाय टू, डी क्यू की वैल्यू आप उपरों ली है, दिस वन दिस वन, ठीक है, अपने को इक्वेशन आ गई दिस वन, हुन आपां इसनूं इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द पावर थ्री बाय टू, होल लूप का ले सकते हैं, पूरी लूप का डी एल दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर इंटू टू पाई ए
अपॉन 4 pi epsilon naught 2 pi a इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर द पावर 3/2. सो द फाइनल रिजल्ट वी विल हैव ई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 pi epsilon naught इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर द पावर 3/2. इस ई की डायरेक्शन होएगी अलोंग पी एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ द लूप या अलोंग पी एक्स. जे पी पॉइंट दिस पी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लूप होगा दैन आर जीरो हो जाएगी. ठीक है, अपना ओ तो लेके डिस्टेंस लेनी है ना, दैन आर जीरो हो जाएगी, दैन ई भी जीरो हो जाएगी. जी आप सपोज करिए आर बहुत वड्डी है ए नालों, दिस रेडियस नालों आर बहुत लार्ज क्वांटिटी है, पी मतलब बहुत दूर पॉइंट है ये, तो आप ए स्केयर नू निगलैक्ट कर देंगे. ठीक है, आर स्केयर की कंपेरिजन आप ए स्केयर नू निगलैक्ट कर देंगे, अपने को इक्वेशन बन जाएगी, दिस इक्वेशन विल बी क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught इंटू आर स्केयर, क्योंकि आप ए स्केयर जोड़ा है इस कैंसल करता. ठीक है, यह एक्सप्रैशन बन गया फिर अपना दो स्पेशल केसिस का. ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है चार्ज रिंग वाला अपना, यह भी बिल्कुल तुसी ध्यान नाल करना है. जे कुछ नहीं समझ आया तो मैनू पूछ सकते हो. थैंक यू बच्चे.